नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के पन्नों पर लिखे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। हम भारत देश के साथ साथ अन्य देशों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। किस शताब्दी में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, ये सारी जानकारियां आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को प्रश्न पत्र में अवश्य मिलेंगे। अतः आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न दिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, वारसा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? तो वारसा पैक्ट सन 1991 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, सेंटो की स्थापना कब हुई थी? तो सेंटो की स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न चौथा है, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र कब बना था? तो सन 1962 ईस्वी में क्यूबा प्रक्षेपास्त्र बना था। पांचवा प्रश्न देखिए, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। वहाँ अब भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो विश्व युद्ध सन 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30/1/1948 ईस्वी में हुई थी। आठवां प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 ईस्वी में हुआ था। नवा प्रश्न है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो रूस में सन 1917 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी और कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार एक बार बनी और एक बार गिरी। तो सन 1917 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को बनाई गई थी और सन 1961 ईस्वी में इसको गिरा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ताजिकिस्तान में सन 2001 में वहाँ का गृह युद्ध समाप्त हुआ। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हुई थी। तेरहवा प्रश्न देखिए, 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ था? तो 25वां आसियान सम्मेलन सन 2014 ईस्वी में हुआ था। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सन 2002 ईस्वी में हुआ था। पंद्रहवा प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी। सोलहवां प्रश्न देखिए, चीन की क्रांति सन 1949 ईस्वी में हुई थी। सत्रहवां प्रश्न देखिए, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कब किया था? तो पाकिस्तान भारत पर सन 1965 ईस्वी में आक्रमण किया था। अठारहवां प्रश्न देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता सन 1977 ईस्वी में हुआ था। 19वां प्रश्न देखिए, सार की स्थापना कब हुई थी? तो सार की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। बेनजीर भुट्टो की हत्या कब हुई थी? तो बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर सन 2007 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 21वां, अमेरिका अफगानिस्तान पर किस वर्ष हमला किया था? तो अमेरिका सन 2001 ईस्वी में अफगानिस्तान पर हमला किया था। 22वां प्रश्न, भारत की संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हमला 2001 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय शांति सेना श्रीलंका से किस वर्ष वापस आई थी? तो भारतीय शांति सेना सन 1989 ईस्वी में वापस आई थी। 24वां प्रश्न देखिए, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ था? तो नेपाल में 28 मई सन 2008 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 25 प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान में राजतंत्र कब समाप्त हुआ था? तो अफगानिस्तान में राजतंत्र सन 1973 ईस्वी में समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण सन 1974 ईस्वी में किया गया था। 27वां प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1995 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वी दिवस या पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो सन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में मनाया गया था। 29 प्रश्न है कि मूल निवासी विश्व परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1975 ईस्वी में हुई थी। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मेघालय राज्य की स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कब किया था? तो पाकिस्तान कश्मीर पर 20 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? भारत को 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके बाद भारतीय संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो गोवा सन 1887 ईस्वी में भारत का राज्य बना। भारत देश के कब 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? तो सन 1956 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1966 और 67 ईस्वी में हुई थी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में सन 1969 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया था? तो सन 1998 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 39, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? तो सन 1950 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न नंबर 40, मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो मैक मोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 ईस्वी में किया गया था। केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला कब हुआ था? तो इसका उत्तर है सन 1973 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 42, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना सन 1977 ईस्वी में हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 25 जून सन 1975 ईस्वी में की थी। गोवा दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो गोवा दमन दीव दमन और दीव 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुए थे। जनता दल की स्थापना कब हुई थी? तो जनता दल की स्थापना सन 1988 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल सन 1984 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले काशीराम थे, काशीराम जी ने स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 48, गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था? तो गुजरात में गोधरा कांड 27 फरवरी सन 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 49, संयुक्त मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1996 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अंतिम प्रश्न है, बाबर के सेनापति मीरा बाकी ने किस वर्ष श्री राम मंदिर तुड़वा करके
बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण सन 1528 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।